नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री क्लब की वीकली प्रेगनेंसी अपडेट सीरीज। तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते के बारे में। गर्भावस्था का 32वां हफ्ता अर्थात यह आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा ट्राइमेस्टर व 7वां महीना है। इस हफ्ते में प्रवेश करते करते आप स्वयं को प्रसव के लिए तैयार महसूस करने लग जाएंगी। हालांकि प्रसव पीड़ा आदि के बारे में ना सोचकर आपको मानसिक तनाव आदि से बचना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक आराम व समय समय पर डॉक्टर से मिलकर आवश्यक चेकअप कराते रहना चाहिए। इन सभी छोटी बड़ी सावधानियों के साथ कुछ अन्य बातें भी आपको जान लेना आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था के 32वें हफ्ते से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों जैसे इस हफ्ते के लक्षण, बच्चों का विकास, खान पान व महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के लक्षण। आपके वजन में हर हफ्ते लगभग 450 ग्राम की बढ़त हो रही होती है। साथ ही रक्त की मात्रा में 50% तक वृद्धि हो रही होती है। इसके अलावा बाकी के शारीरिक बदलाव इस प्रकार हैं: सीने में जलन, यूट्रस की वजह से डायाफ्राम व पेट पर अधिक दबाव पड़ने की वजह से आपको सीने में जलन व सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। अस्थिरता महसूस होना, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण आपके जोड़ व पेल्विक बोन्स को स्पाइन से जोड़ने वाले लिंगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण आपको चलने, खड़े होने और ज्यादा देर तक बैठने में दर्द के साथ अस्थिरता का एहसास होता है। स्तन से रिसाव, इस दौरान आपके स्तनों से पीले रंग के तरल पदार्थ का रिसाव शुरू हो जाता है, जो कि बच्चे के स्तनपान के लिए विकासशील स्तनों की एक प्रक्रिया है। अनिद्रा, गर्भावस्था के इस हफ्ते तक आते आते आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, जिसका मुख्य कारण बढ़ा हुआ पेट, चिंता व लगातार पेशाब आना होता है। थकान, गर्भावस्था में थकान महसूस होना एक आम समस्या है, लेकिन इस दौरान आप अधिक थका महसूस करेंगी। साथ ही सेक्स इच्छा में रुचि की कमी नोटिस करेंगी। गर्भाशय के 32वें हफ्ते में बच्चे का विकास, इस समय आपके बेबी का वजन 1.8 किलोग्राम के आसपास होता है एवं उसकी लंबाई 16.75 इंच के लगभग होती है। ऐसा कह सकते हैं कि आपका बच्चा अब एक केले के पत्ते के आकार का हो गया है। साथ ही इस हफ्ते से आपका बच्चा जन्म लेने के लिए श्रोणि की ओर बढ़ने लगता है। इस हफ्ते से आप अपने बच्चे की हरकतों में कमी महसूस करेंगी, जिसका कारण बच्चे के आकार का बढ़ना और आपके गर्भाशय में उसे हलचल करने के लिए जगह कम मिल पाना होता है। बच्चे की त्वचा अब चिकनी और नरम हो जाती है। साथ ही वर्निक्स केसोसो की एक मोटी परत त्वचा के ऊपर बन जाती है। बच्चे के टेस्ट बड अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं, अर्थात अब वह खट्टे और मीठे में फर्क महसूस कर सकता है। फेफड़े भी अब लगभग विकसित हो गए होते हैं और खोपड़ी को छोड़कर बच्चे की सभी हड्डियां सख्त हो जाती हैं। गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के लिए आहार, फाइबर युक्त भोजन। गर्भावस्था के दौरान फाइबर युक्त भोजन की एक अलग भूमिका है, क्योंकि गर्भावस्था में लगभग प्रत्येक महिला को कब्ज या बदह जमी की समस्या हो जाती है। इस कारण इससे बचने के लिए आपको फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। कैल्शियम व विटामिन डी, इस समय विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों ही आपके बच्चों की हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए आपको बीन्स, किडनी बीन्स, पालक, सोया और डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी के लिए आप दूध, अंडे और मछली को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का सेवन आपके बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं के द्वारा आवश्यक संयोजी ऊतक बनाता है। विटामिन सी के लिए आपको अनाज, आम, शकरकंद और गाजर आदि का सेवन करना चाहिए। स्मोकिंग व अल्कोहल,
स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान निषेध माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके बच्चे के विकास से है। इसलिए आपको ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैफीन, कोल्ड ड्रिंक की भांति कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफी व चॉकलेट आदि आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए कैफीन युक्त पदार्थों के सेवन से स्वयं को बचा कर रखें। गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के लिए सलाह। इस हफ्ते भी आपको प्रीनेटल विटामिन का सेवन जारी रखने की सलाह दी जाती है। हमेशा हाइड्रेटेड रहने का प्रयास करें, अर्थात जमकर पानी पिएं व तरल पदार्थों का सेवन करें। हल्के फुल्के व्यायाम करती रहें, नियमित थोड़े देर के लिए वॉक पर जाएं और केवल एक्सरसाइज करें। पर्याप्त आराम करें व भरपूर नींद लें, साथ ही लंबे समय तक खड़े रहने से बचें। मानसिक तनाव से बचें व अपना समय अपने परिवार व दोस्तों के साथ बिताएं। घर का बना भोजन ही खाएं व जूस आदि भी घर पर बना कर पिएं। तो ये थी गर्भावस्था के 32वें हफ्ते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि अब आप इन बातों को भली भांति समझ गई होंगी। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई शंका हो तो टिप्पणी कर हमें अवगत कराएं। आपको आपके होने वाले बच्चे के लिए शुभकामनाएं।